गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने मिसलेनियस का कुछ एग्जांपल देखे हुए थे प्रोबेबिलिटी का। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे 7H। आज हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे 7H। सेवन एच का पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रोड्यूस ऑफ ए पिंपल रिमूव मेडिकेट क्रीम क्लेम दैट देयर आर 70% चांस दैट हिज प्रोडक्ट विल रिमूव पिंपल्स ऑफ पर्सन विद इन अ मंथ। कह रहा है क्या कि एक पिंपल रिमूव करने वाला जो क्रीम है वो क्लेम करता है कि उसके पिंपल रिमूव करने के चांसेस कितने हैं, 70% है। यानी ये लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमूव पिंपल इज इक्वल टू 70% एंड दिस इज इक्वल टू लिख सकते 70/100 यानी कि 7/10। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रिमूव पिंपल ये हो जाए 1-7/10 एंड दिस इज इक्वल टू 3/10। पिंपल रिमूव नहीं कर पाने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/10। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि नंबर ऑफ पर्सन ट्राई या तो नंबर ऑफ पर्सन यूज मेडिसिन इज इक्वल टू कितना, 5। कितने पर्सन मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं, 5%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ 5% ट्राई टू प्रोडक्ट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रिमूव पिंपल ऑफ 3% विद इन अ मंथ ऑफ दिस इट्स यूज। इसके यूज करने से एग्जैक्टली 3% का पिंपल्स क्या होगा, रिमूव हो जाएगा विद इन मंथ, उसके क्या चांसेस हैं। तो 5% क्या कर रहे हैं, मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं। और हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका निकालना, वी हैव टू फाइंड, या लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी रिमूव पिंपल्स probability of it will be remove pimple of 3% within month, उस मंथ में, एक मंथ में ट्राई करने से 3% का पिंपल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि यहाँ लिख सकते दैट इज क्या दिया हुआ है, आर इक्वल टू हो जाएगा 3, एन इज इक्वल टू हो गया कितना, 5। अच्छा, रिमूव करने होने के चांसेस क्या है, पिंपल ख़त्म होने के चांसेस क्या है, 7/10, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। इसे क्या कहा जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। एंड क्यू, रिमूव नहीं होने के चांसेस कितने हैं, 3/10। यानी ये क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूअर। यानी रिमूव नहीं कर पाएगा, इसके चांसेस कितने हैं, 3/10। तो हम लोग जो पिछले लेक्चर में पढ़े थे वेरनोलिस थ्योरम, उसका यूज़ करेंगे। तो वेरनोलिस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो क्या फॉर्मेट बनेगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज required probability is
एन सी आर पी टू द पावर आर एंड क्यू टू द पावर एन माइनस आर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू थ्री दिस इज इक्वल टू होगा फाइव सी थ्री इंटू सेवन बाई टेन टू द पावर थ्री इंटू थ्री बाई टेन टू द पावर टू ऐसा लिखा जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा फाइव फैक्टोरियल बाय फाइव माइनस थ्री यानी कि टू फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू सेवन बाय टेन होल का पावर थ्री इंटू थ्री बाय टेन होल का पावर टू। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ होगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल बाय टू फैक्टोरियल को टू इंटू वन इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू सेवन बाई टेन होल का पावर थ्री इंटू थ्री बाई टेन होल का पावर टू। थ्री फैक्टोरियल से थ्री फैक्टोरियल कटेगा टू से फोर कट जाएगा टू टाइम में यानी क्या लिखेंगे यहाँ लिखाएगा दिस इज इक्वल टू टेन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू सेवन इंटू थ्री इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन इंटू टेन एक टेन से एक टेन कैंसिल हो जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट आएगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेवन सेवन फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन इन सेवन नौ सौ तिरसठ के तीन छः सात सात सौ अट्ठाईस अट्ठाईस और छः चौंतीस थ्री फोर्टी थ्री थ्री फोर्टी थ्री इंटू थ्री नाइन बाई टेन चार जीरो आएगा तो यहाँ पे आएगा नौतिया सत्ताईस के साथ नौतिया सत्ताईस के साथ बाकी में दो नौ चौक छत्तीस और सैंतीस अड़तीस के आठ तीन सत्ताईस और तीन इकतीस बाई कितना टेन थाउजेंड तो रिजल्ट आएगा जीरो पॉइंट थ्री वन एट सेवन। जीरो पॉइंट थ्री वन एट सेवन ये इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू कर आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन नंबर टू टू में कह रहा क्या कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू वन बाय फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू वन बाय फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू वन बाय फाइव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू वन बाय थ्री फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है। तो हम लोग एक फार्मूला जानते थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये फार्मूला होता था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना वन बाई थ्री प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना वन बाय फोर वन बाय फाइव माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो इंटरसेक्शन का टर्म इधर ले आएंगे और वन बाई थ्री को उधर ले जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा वन बाय फोर प्लस वन बाय फाइव माइनस वन बाई थ्री एलसीएम कितना बन जाएगा थर्टी आ जाएगा एलसीएम तो फोर्स थर्टी तो नहीं आएगा एलसीएम सिक्सटी आना चाहिए सिक्सटी आएगा एलसीएम तो यहाँ पे आएगा फिफ्टीन यहाँ पे आएगा ट्वेल्व और यहाँ पे आएगा ट्वेंटी ऐसा आएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
probability of A intersection B equal to 20 10 30 10 40 47 by 60 47 by सॉरी यहाँ माइनस है ना, ये माइनस है यानी ये कितना हो गया 27 माइनस 20 यानी 7 बाय 60। प्रायोरिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 7 बाय 60। थ्री नंबर जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए हुए हैं। क्या कह रहा है, ए कमेटी ऑफ फोर पर्सन इज टू बी अपॉइंटेड फ्रॉम सेवन मैन एंड थ्री वोमेन। सेवन मैन दिया हुआ है और थ्री वोमेन दिया हुआ है, उससे चार मेंबर का क्या करना है, कमेटी बनाना है। तो कह रहे व्हाट इज द प्रायोरिटी दैट द कमेटी कंटेन्स एग्जैक्टली टू ओमेन। एग्जैक्टली कितना ओमेन होगा कमेटी में, दो ओमेन होगा, उसकी क्या प्रायोरिटी होगी, और एटलीस्ट वन ओमेन। तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग पहले भी बनाए हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहा है, फोर में कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 100 बॉल्स ऑफ विच 10 आर डिफेक्टिव। एक बॉक्स है उसमें 100 बॉल्स हैं और 10 बॉल्स क्या डिफेक्टिव है, खराब बॉल्ट की संख्या कितनी है 10। 10 बॉल्ट ऐसे हैं जो डिफेक्टिव है, मतलब उसका यूज़ नहीं कर सकते। तो कह रहा फाइंड द प्रायोरिटी दैट ये बॉल्ट चूजन एट रैंडम इज नॉन डिफेक्टिव। उसकी क्या प्रायोरिटी होगी कि जो एक बॉल्ट सेलेक्ट किया जाएगा वो नॉन डिफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे 10 डिफेक्टिव बॉल्ट्स हैं, तो यहाँ लिख सकते सिंस नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बॉट, नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बॉल्ट इज इक्वल टू 90 एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बॉल्ट इज इक्वल टू 10। 10 डिफेक्टिव बॉल्ट है और 90 नॉन डिफेक्टिव बॉल्ट। टोटल बॉल्ट की संख्या, टोटल नंबर ऑफ बॉल्ट इज इक्वल टू 100। वी हैव टू फाइंड, या लिखें लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट फॉर सिलेक्टेड बॉल्ट इज नॉन डिफेक्टिव। ए बी द इवेंट फॉर सेलेक्टेड बॉट इज नॉन डिफेक्टिव, यानी कि क्या लिखेंगे, देयर फॉर एन ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 एंड एन एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड नॉन डिफेक्टिव बॉल्ट इज इक्वल टू 90/100 एंड दिस इज इक्वल टू 9/10। दिस इज इक्वल टू 9/10 नॉन डिफेक्टिव बॉल्ट सेलेक्ट होगा, इसके क्या चांसेस है 9/10। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव में कह रहा है क्या कि स्टेट व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स इन सेवन टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। एक कॉइन को कितने बार टॉस किया गया, सेवन टाइम्स। एक कॉइन को 7 बार टॉस किया गया, उसमें एग्जैक्टली टू हेड आएगा, इसके क्या चांसेस है। क्वेश्चन नंबर फाइव, एक कॉइन is tosses 7 times, what is the probability
what is the probability of getting exactly two head, getting exactly two heads. तो यहाँ लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में कि P that means probability of success, P मतलब probability of success, that is getting head in one tosses. एक बार अगर टॉस करेंगे तो हेड आएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूअर, दैट मीन्स गेटिंग नो हेड इन वन टॉसेस. अगर एक बार टॉस कर रहे हैं उस पर हेड नहीं आएगा, वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूअर हो जाए. तो अगर एक बार टॉस कर रहे तो उसका आउटकम क्या होगा, या तो हेड होगा या तो टेल होगा. जैसे अगर एक बार टॉस करेंगे तो उसमें हेड आएगा तो सक्सेस बन जाएगा, हेड नहीं आएगा तो फेल्यूअर बन जाएगा. मतलब पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंगल टॉसेस में सक्सेस और फेल्यूअर दोनों का प्रोबेबिलिटी, अगर दोनों में एक ही सिंगल आउटकम्स आ सकता है, जैसे एक बार टॉस करते तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूअर क्या हो जाएगा, 1/2. टोटल कितने टाइम टॉस किया गया, 7 टाइम, यानी एन इज इक्वल टू 7. और कितनी टाइम्स एग्जैक्टली हेड आने चाहिए, एग्जैक्टली हेड 2 टाइम्स आने चाहिए, यानी कि आर इज इक्वल टू 2. तो पी पता चल गया, क्यू पता चल गया, एन पता चल गया और आर पता चल गया. तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, एग्जैक्टली टू हेड. तो रिजल्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इक्वल टू 2, एंड दिस इज इक्वल टू 7C2 इंटू 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 5, 1/2 का पावर 2 इंटू 1/2 का पावर 5. तो 7C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और 1/2 का पावर ये हो जाएगा 7. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1 इंटू 1/2 का पावर 7. ये 5 फैक्टोर से कटेगा, 2 से 6 कटेगा 3 टाइम में, यानी 21 बाई 2 का पावर 7. तो 2 का पावर 4 होता है 16, 2 का पावर 5 होता है 32, 64 एंड 128. यानी कि दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 21 बाई 128. ये इसका आंसर हो जाएगा, 21 बाई 128. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, करें इफ फेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ सम इज नाइदर 8 नॉर 10. मतलब वैसे आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है जिसका सम ना 8 होगा ना ही 10 होगा, एंड दूसरा कर दैट द सम इज ग्रेटर देन 12. तो दोनों का सम 12 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता. क्यों, क्योंकि जब एक डाइस को दो बार टॉस कर रहे हैं तो उसका आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, 1-1 से लेके 6-6 तक. इसका मतलब मैक्सिमम सम कितना होगा, मैक्सिमम सम 12 होगा. लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है,
कि ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। जब एक पेयर ऑफ डाइस को थ्रोन करेंगे तो उसका आउटकम्स क्या हो सकता है, वन वन, वन टू, वन टू, वन थ्री से लेके लास्ट कहाँ तक जाएगा, सिक्स सिक्स तक जाएगा, यानी कि एन एस का वैल्यू कितना होगा, 36 हो जाएगा। फर्स्ट में क्या निकालना, वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट में वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सम इज नाइदर एट, नाइदर एट और नॉट टेन, और नॉट टेन, ना ही दोनों का सम एट होगा ना ही दोनों का सम टेन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इवेंट मान लेंगे, यहाँ लिखें लेट ई बी द इवेंट फॉर गेटिंग सम इज एट और टेन, यहाँ मान लेते हैं, और फिर उसके पॉजिटिव को निकाल के वन में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखें लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट फॉर गेटिंग सम इज एट और टेन, या तो एट होगा या तो टेन होगा। तो ई में कौन कौन सा आउटकम आएगा, ई में आ सकता है फर्स्ट आएगा 26, सेकेंड आएगा 35, 44, 53, 62, ये हो गया एट के लिए। और टेन के लिए क्या हो सकता है, टेन के लिए हो सकता है 46, 46, 55, 64, ये होगा। यानी कि एन ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एन ई का वैल्यू हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, एन ई का वैल्यू हो जाएगा 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इज 8 और 10 इज इक्वल टू 8/36 हो जाएगा। लेकिन वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सम इज नाइदर 8 नॉट 10, मतलब हम लोग को प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, वैसे आउटकम्स का निकालना है जिसका सम ना तो 8 होगा ना ही 10 होगा। यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं सिंस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट दिस इज इक्वल टू 1 होता है। तो अभी जो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले हैं वो क्या निकला, 8 और 10 दोनों का सम 8 या तो 10 आने का निकला। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 8/36, यानी 36 माइनस 8/36 तो कितना हो जाएगा, 28, 28/36, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा कितने टाइम में, 14 टाइम में, अच्छा 4 से भी काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा कितने टाइम में, 4 से कट जाएगा 7 टाइम में, और ये कट जाएगा 4 से 9 टाइम में। तो रिक्वायर्ड पॉलिटी क्या बनेगा, 7/9, ये रिक्वायर्ड पॉलिटी होगा फर्स्ट का। अच्छा इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें करा गया कि दैट द सम इज ग्रेटर देन 12, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज ग्रेटर देन 12, 12 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ लिखें सिंस E be the event, E be the event getting sum is greater than 12, therefore an E is equal to 0, क्यों, क्योंकि वैसा कोई भी possible outcomes नहीं है जिसका sum क्या हो जाए, 12 से ज़्यादा हो,
क्योंकि मैक्सिमम सम कितना होता है, 12 होता है, मैक्सिमम सम कितना होता है, 12 होता है। तो एन ई तो जीरो हो गया, तो जब एन ई जीरो हो गया तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0/36 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये उसका रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। नेक्स्ट इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा। 7 में करें, ए पेयर ऑफ डैश इज रोल्ड, इफ़ द सम ऑफ टू डैश इज 9, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द डैश सो 3। कह रहे क्या कि अगर दोनों डैश का सम कितना है, 9 है, तो ऐसे कितने आउटकम्स होंगे जिसका कम एक डैश क्या शो करेगा, 3 शो करेगा। तो अगर एक डैश को दो बार माने एक दो पेयर ऑफ डैश को अगर एक बार उछाल रहे हैं तो पॉसिबल आउटकम तो 36 हो जाएगा। अगर दोनों का सम 9 बात कर रहे हैं तो 9 सम में तो और भी आउटकम्स होंगे, लेकिन कंडीशन क्या लगा रहा है कि कम से कम एक डैश में क्या दिखना चाहिए, 3 दिखना चाहिए। तो इस केस में तो दो ही आउटकम पॉसिबल है, या तो 36 होगा या तो 63 होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 2/ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा, टू बाई 36। और टोटल सम मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, जैसे यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, कह रहे सम तो 9 आना चाहिए लेकिन एक डैश पे क्या होना चाहिए, 3, और ये 3 होना चाहिए, एक डैश पे 3 होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/2। जैसे देखो कैसे होगा, सबसे पहले एक डैश को दो डैश को एक साथ टॉस किया, यहाँ पे दो इवेंट आएगा, एक इवेंट आएगा 9 आने का और एक आएगा एक डैश पे 3 आने का। यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 2 डैश आर थ्रोन। अगर 2 डैश को थ्रोन कर रहे हैं तो आउटकम्स क्या होगा, 11 से लेके 11 12 से लेके कहाँ तक जाएगा, 66 तक जाएगा। तो NS का वैल्यू अभी कितना होगा, 36 होगा, NS का वैल्यू 36 होगा। यहाँ पे हम लोग दो इवेंट मानेंगे, एक इवेंट A मानेंगे, एक इवेंट B मानेंगे। A मानेंगे क्या, गेटिंग सम इज 9, और B मानेंगे गेटिंग थ्री एट 1 डैश। कम से कम एक मैंने एक डैश पे क्या होना चाहिए, 3 होना ही चाहिए। तो ए में कौन कौन सा आउटकम्स आएगा, ए में आएगा हम लोग का 36 से शुरू होगा, 36 4/5 5/4 और 6/3। एक डैश में 6 है, इन दोनों का सम क्या आएगा, 9 आएगा, उसके क्या क्या आउटकम्स आएंगे, 3 6 6 3 4 5 5 4, ये 4 आउटकम्स आएंगे। अच्छा बी में क्या कर रहा है कि कम से कम एक डैश पे क्या आएगा, यानी एक डैश पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो बी में कौन कौन सा आउटकम आएगा, 1 3 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 4 आ सकता है, 3 1 आ सक 3 एक काम करते 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर क्या आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 5 3 आ सकता है और 6 3 आ सकता है। तो बी में टोटल कितने आउटकम्स हो जाएंगे, एन ए का वैल्यू हो जाए कितना, 4, और एन बी का वैल्यू हो जाए कितना, 2 4 6 8 3 11, एन बी का वैल्यू 11,
अब एन ए इंटरसेक्शन बी का बात करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि हम लोग को पॉलिटी किसका निकालना है, दोनों का सम 9 होना चाहिए और एटलीस्ट एक डैश पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी का अगर बात करेंगे तो कौन कौन सा आउटकम आएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 3 6 6 3, दो आउटकम्स आएगा, यही दो आएगा ना एन ए इंटरसेक्शन बी में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा कितना, 4/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, 11/36। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 2/36। वी हैव टू फाइंड, अब हम लोग को प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, एक डैश पे 3 होना चाहिए, एक डैश पे 3 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है जब दोनों का सम क्या हो चुका है, 9 आ चुका है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 2/36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 4/36, तो 2/4 आए कट के, यानी रिजल्ट क्या बनेगा, 1/2, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 बन जाएगा, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।